फ्रेंड आज का जो अपना टॉपिक है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है और इस वीडियो में एंथैल्पी के बारे में भी समझ लेंगे कि क्या होता है। तो देखिए सेंसिबल हीट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा हीट क्या होता है। तो देखिए हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का मतलब होता है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की क्षमता को ही हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे हीट के बारे में। तो देखिए मान लीजिए ये हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, बॉडी ए हो गया और ये हमारा बॉडी बी हो गया। ए के पास जो टेम्परेचर है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है और बी के पास जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए हमारा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जब हमारा ए बी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, यहां से एनर्जी इधर ट्रांसफर होगा, यानी कभी भी हायर से लोअर की तरफ हमारा टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, यानी हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर के पास ट्रांसफर होगा और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आए। यानी अगर हीट की बात किया जाए तो हीट जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है विदाउट चेंज इन मास, मास में कोई चेंज नहीं होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और एनर्जी का ट्रांसफर क्यों होता है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है, दो बॉडी के बीच में अगर डिफरेंस टेम्परेचर है तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा हायर से लोअर की तरफ, यानी हाई हीट जिसके पास होगा वो लो हीट की तरफ उसका एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो एक तरफ से और भी इसको समझ सकते हैं हीट को कि मान लीजिए एक हमारे पास ये कंटेनर है, मैंने यहां से क्या किया हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए हम रखे हैं वाटर है हमारे पास, यहाँ पे वाटर हमारा फिल है। तो जब स्टार्टिंग में हमारा वाटर के पास क्या होगा, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है। और जब इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो वाटर है ये वाइब्रेटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है इसको बोलते हैं कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए और इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा ऐसे ऐसे रोटेट करने लगेगा। तो इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम अगर बात करेंगे हीट का तो हीट इक्वल टू हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा सबस्टेंस है ये मान लीजिए वाटर है, इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, यानी हमारा ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है प्लस हमारा जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है और प्लस हमारा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम टोटल कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे, या हीट को ऐसे समझ सकते हैं या हीट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें सेंसिबल हीट क्या होता है, हम लोग समझेंगे सेंसिबल हीट को। तो देखिए इसमें जो सेंसिबल वर्ड है वो किससे लिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंस वर्ड से लिया गया है, और सेंस का मतलब समझ ही रहे हैं कि कोई भी चीज को महसूस करना, यानी सेंसिबल हीट को वी कैन सेंस इट बाय फीलिंग, जब हम उस सेंसिबल हीट को टच करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा उसका टेम्परेचर बढ़ा है घटेगा, उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सेंसिबल हीट का उस ऑब्जेक्ट में एडिशन हुआ है कि सब्ट्रैक्शन हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में हमारा क्या है वाटर फिल किया गया है, और जो वाटर यहां पे मान लीजिए हमारा क्या है वाटर है, और वाटर का अभी टेम्परेचर जो है वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए हमारा टेम्परेचर है, और यहां से हमने क्या किया हीट का एडिशन किया, और हीट हम लोग जानते हैं क्या है एक एनर्जी का फॉर्म है, तो इस एनर्जी क्या होता है ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। तो या ये जो हीट है वो वाटर को ट्रांसफर होना स्टार्ट करेगा जब यहां से हीट को सप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए ये जो वाटर है वो हमारा किस पे है एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हमारा वाटर है, और अभी इसका फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, हीट हमने एडिशन स्टार्ट किया। तो क्या होगा कि हीट का जब ट्रांसफर होगा तो इसका टेम्परेचर जो होगा वाटर का इंक्रीज करने लगेगा, और मान लीजिए इंक्रीज करके हमारा वाटर जो है अभी हमारा इसका टेम्परेचर राइज करके हमारा आ गया मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो
तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लाने के बीच में जो हीट का एडिशन किया जाता है उसको ही बोला जाता है सेंसिबल हीट। तो देखिए एक चीज हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस आते ही वाटर क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर अचानक जैसे हमारा 0 डिग्री से ग्रेजुअली राइज करके मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस आया, तो वो आने के बाद अचानक स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके बाद फर्दर आपको हीट का एडिशन करना पड़ेगा तभी जाके वो मतलब स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या देखे कि जो हमारा सेंसिबल हीट है उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता है, अगर वाटर है तो वाटर ही रहेगा, केवल क्या होगा टेम्परेचर राइज करेगा, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। यानी कोई भी वाटर में क्या किया, हीट का ऐसा एडिशन किया जिसमें हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ, कोई फेज चेंज नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे सेंसिबल हीट। तो इस हीट का देखिए टेम्परेचर जब राइज हो रहा है तो आप यहाँ पे थर्मोमीटर वगैरह लगा के आप रीड कर सकते हैं कि हमारा कितना इसके अंदर टेम्परेचर है। यानी सेंसिबल हीट को हम लोग थर्मोमीटर के हेल्प से इट कैन बी मेजर बाय द थर्मोमीटर, इसके मेजर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। तो सेंसिबल हीट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, ये जो मैंने हीट का क्वांटिटी है एडेड टू वाटर, यानी कितना हीट हमने वाटर को एड किया ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द टेम्परेचर इज राइजिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी देखिए हमारा वाटर का एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, 0 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट पे हीट का जो एडिशन किए उसको क्या बोलेंगे सेंसिबल हीट। ये हुआ हमारा सेंसिबल हीट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि लैटेंट हीट क्या होता है, हम लोग समझेंगे लैटेंट हीट को। तो देखिए ये जो वर्ड है लैटेंट हीट, इसका मतलब क्या होता है हिडन। हिडन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज छुपा हुआ, यानी ऐसा चीज जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, वो छुपा हुआ है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हीट है। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखे थे सेंसिबल हीट के दौरान कि वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से इसके बॉइलिंग पॉइंट तक हम क्या किए राइज किए। हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस हीट एडिशन को क्या बोले थे हम सेंसिबल हीट बोले थे, यानी इसमें कोई फेज चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर आया उसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर हीट का एडिशन किए करेंगे, तो ये जो वाटर है अब क्या है बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो क्या होगा हमारा स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। तो जो ये वाटर है हमारा क्या बन जाएगा स्टीम बन जाएगा। और इसका अभी भी अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इस हीट एडिशन को क्या बोलेंगे लेटेंट हीट, और ये जो हमारा हीट का एडिशन क्या है वो है हमारा सेंसिबल हीट। ठीक है, तो अभी इसका लेटेंट हीट का डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू कन्वर्ट वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट इनटू स्टीम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी क्या बोल रहे हैं कि वाटर हमारा कंडीशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए जो कि अभी है, उसके बाद जब हम हीट का एडिशन करेंगे तो ना टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आया, और ना ही हमारा प्रेशर में, तो अभी भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है। तो केवल क्या होगा तो वाटर से ये क्या बन जाएगा स्टीम में बन जाएगा, इस वाटर से ये क्या हो जाएगा स्टीम में बन जाएगा, बट उसका टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। यानी चेंज क्या होगा केवल फेज चेंज होगा, वाटर है तो ये क्या बन जाएगा स्टीम बन जाएगा। तो देखिए अब इसका टेम्परेचर क्या है 100 है, इसका भी हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर ही है, तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप थर्मोमीटर लगाएंगे तो इसको क्या मेजर कर पाएंगे, तो नहीं मेजर कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर 100 ही है। तो सेंसिबल हीट जो हमारा लेटेंट हीट है वी कांट मेजर इट बाई थर्मोमीटर, हम लोग इसको लेटेंट हीट को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सेंसिबल हीट आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर में क्या होता है वाटर का टेम्परेचर केवल बढ़ता है, मान लीजिए 100 से 250 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तो वहां पे क्या हुआ केवल वाटर
का वाटर ही रहता है दोनों में, इनलेट में भी आउटलेट में भी, तो वहां पे जो हीट का एडिशन होगा, कोई पूछेगा तो आप डायरेक्ट बताइएगा, सेंसिबल हीटिंग होता है। लेकिन जब हमारा वाटर वही जब ड्रम से नीचे आता है डाउन कमर के थ्रू हमारा वाटर होल में जाता है तो क्या हो, सेचुरेटेड स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर जो ड्रम में रहता है वही स्टीम का भी टेम्परेचर रहता है, तो उस कंडीशन में अगर जो हीट का एडिशन होगा वो किस हीट एडिशन होगा, तो लेटेंट हीट का एडिशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो अभी हम एक बात करते हैं कि एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं एच से, तो एंथैल्पी इक्वल टू होगा ये जो हमने सेंसिबल हीट दिया और लेटेंट हीट दिया, यानी सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट को क्या बोलेंगे हम लोग, एंथैल्पी बोलेंगे, यानी टोटल हीट को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। ये जो सेंसिबल हीट है वो एंथैल्पी ऑफ लिक्विड बोल देंगे, और जो लेटेंट हीट है उसको बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। तो ये होता है एंथैल्पी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंथैल्पी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा ऑल अबाउट लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। उम्मीद करता हूं कि आपको लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।